गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवल की डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अंदर जो हम करने वाले हैं वो आपका 9 चैप्टर कर रहे हैं। 9 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, हमने लेजर बनाना भी सीखा हुआ है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि लेजर के अंदर हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें जर्नल बनाना पड़ेगा। बिना जर्नल के, जो हमारा 8 चैप्टर है, बिना हम जर्नल की हेल्प से हम डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते अभी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? जर्नल। आपको जब डायरेक्ट एंट्री पोस्टिंग करनी आ जाएगी कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं कर सकते हम डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग, बट अभी अभी हमें जर्नल चाहिए। जर्नल के यहाँ पे ही हम लेजर में जल्दी इजिली तरीके से हम पोस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एग्जांपल है कि 1 अप्रैल 2020 को अंकित पेड सोहन बाय चेक 9600 रुपीज। अंकित ने पे किए हैं सोहन को, वो भी चेक से, मतलब बैंक से अपने पेमेंट करी है इन सेटलमेंट ऑफ 10,000। मतलब उसको देने 10,000 रुपए थे और उसने केवल 9600 रुपीज पे आउट किया है। इसका मतलब 96 पे आउट करने पर उसे 400 रुपए का डिस्काउंट मिला है, सोहन को मिला है। अब पेमेंट किसने की है? अंकित ने किया। अंकित के अकाउंट से पैसे गए हैं, ठीक है, और किसके अकाउंट में आए हैं? सोहन को। तो यदि आपको पता है जिसके भी अकाउंट में पैसे आते हैं, सोहन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो सोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सोहन को डेबिट कर दिए, सोहन के पास पैसे आ गए। कहां से आए हैं? बैंक से आए हैं, ना कि आप अंकित लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि यदि अंकित ने पेमेंट कैश दे दी है तो कैश जब हमारे पास आता है तो हम कहाँ से आया कैश उसका नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हमने एक तरीके से सेल्स कर दी कैश में, तो हमने किस किस को क्या क्या बेचा नगद में हम नहीं बता सकते। हम टोटल लिखेंगे, हमें टोटल सेल्स इतने की हुई। तो इसमें अंकित ने पे किया था सोहन को 9600 रुपीज 10,000 के बदले में। तो सोहन के अकाउंट में हमारे डेबिट हो गए। क्या डेबिट हो गए? बैंक। बट आपको पता है कि जब हम जर्नल बनाते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। डेबिट में तो 10,000 रुपए आए हैं क्योंकि सोहन को तो 10,000 रुपए लेने थे, 9600 तो उसको बैंक में आ गए, मिल गए उसको कैश, बट 400 रुपए उसे नहीं मिले। तो 400 रुपए कहाँ से पूरे होंगे? उसके डिस्काउंट रिसीट से। तो एंट्री बन गई सोहन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट, ठीक है। सोहन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीट, डेट आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 28, 29, 20 और 21 तीन कॉलम हमारे लेजर फोलियो के जो तीन कॉलम है वहां पर इसकी एंट्री दिखाई है, तो वो वहां के नंबर आ गए, ठीक है। और पेज नंबर यहाँ पर आया हुआ है आपका, आपका पेज नंबर है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 81। तो ये 81 नंबर हमारा जर्नल का हो जाएगा, ठीक है। अब इस जर्नल से हमें लेजर बनाना है, तो लेजर आपके कौन कौन से बनेंगे? कौन कौन से बनेंगे? एक तो सोहन का बनेगा, बैंक का बनेगा और डिस्काउंट रिसीट का। तीन कॉलम बनेंगे हमारे, सोहन टू बैंक, सोहन टू डिस्काउंट रिसीट। इसका मतलब ये होता है सोहन टू बैंक, सोहन टू डिस्काउंट रिसीट, ठीक है। तो अब हमारे को देखते हैं, हमने सबसे पहले सोहन का हमने लेजर बनाया, ठीक है। सोहन के लेजर में जब हमने लेजर बनाया, ये मैंने आपको लेजर का बॉक्स बता ही रखा है कैसे बनाना है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, फिर रुपीस, फिर सेम जो हमने डेबिट में बनाया था वही डेट, वही सेम हम एज इट इज किसमें बना देंगे? क्रेडिट में भी सेम, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। यहाँ पर सोहन के साथ, सोहन के अकाउंट में बैंक डेबिट होगा क्योंकि सोहन का अकाउंट डेबिट है। यहाँ पे देखो सोहन का अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट जब सोहन के अकाउंट में होगा तो डेबिट में एंट्री है। जब भी हम लिखते हैं तो हम टू लगाकर लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गया टू बैंक। सोहन को बैंक से आ गए 9600 रुपीज। सोहन को डिस्काउंट भी मिला है, ये भी हमारा डेबिट होगा, तो यहाँ पर बैंक में भी आ गए, डिस्काउंट में भी आ गए हमारे 400 रुपीज। क्लियर सभी को? सोहन के अकाउंट में दोनों एंट्रीज कैसे चली गई? अब बैंक क्रेडिट में है यहाँ पर, जो भी डेबिट टू में एंट्रीज होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो क्रेडिट में है। यदि बैंक क्रेडिट में है तो बैंक के क्रेडिट में कौन आएगा? सोहन, क्योंकि बैंक से पैसे किसको गए हैं? सोहन को गए, तो बाय सोहन डेट डालता, ठीक है। परफॉर्मा वही है, सेम डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, वो सब कुछ सेम है। बस अब जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बैंक अकाउंट बनेगा और बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय सोहन। तीसरी एंट्री है हमारी,
डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट किसको मिला है, सोहन को मिला है, तो डिस्काउंट हमारा क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट में डिस्काउंट के क्रेडिट में हमारा आ जाएगा बाय सोहन, ठीक है, डिस्काउंट के क्रेडिट में हमारा क्या आ जाएगा बाय सोहन। ये तीनों अकाउंट समझ में आ गए कैसे हमने इसकी पोस्टिंग की, जनरल से हमने लेजर में कैसे पोस्टिंग की, देखा सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक आपको जनरल दिया हुआ यहाँ पर, इसमें तीन एंट्रीज आपकी जनरल में दिखाई गई हैं, कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कि हमने जो बैड डेब्ट हमने जिनको मान लिया था, ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारे को पैसा आने की उम्मीद नहीं थी उनसे हमें पैसा मिल गया, तो कैश हमारे पास आया है, तो कैश हमारे पास जब आता है तो हम डेबिट लिखते हैं, कहाँ से आया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए, ठीक है। सेकेंड एंट्री है 4 मई की, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, मोहन को कैश मिला है, मोहन को कैश मिला है और उसके बदले में उसने डिस्काउंट भी उसको दिया गया है, उसको डिस्काउंट भी मिला है, उसने कैश भी मिला है और डिस्काउंट भी उसने कैश पे आउट किया है और उसको डिस्काउंट मिला है, जब उसने कैश की पेमेंट की तो उसको डिस्काउंट मिला यहाँ पर, ठीक है। थर्ड एंट्री है कि सैलरी हमने दी है बट बैंक से दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये तीन एंट्रीज है, इन तीन एंट्रीज को हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। टोटल आप सभी देख लो इस क्वेश्चन के अंदर, हमारी ये जो कैश की एंट्री है, एक तो कैश की एंट्री एक यहाँ पर है, ठीक है, एक कैश की एंट्री यहाँ पर है, ये बैंक है, ये बैंक में जाएगा, ठीक है। तो जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश के साथ में टू में था बैड डेब्ट रिकवर, तो यहाँ पर टू में डेट डाल के पैसा अमाउंट आ गई, ठीक है। और कैश के साथ में यहाँ पर कैश क्रेडिट में था, यहाँ पर कैश क्रेडिट में था, क्रेडिट में था तो किसने इसको डेबिट किया, मोहन ने, तो यहाँ पर आ गया बाय मोहन, तो कैश की एंट्री दोनों खत्म हो गई, ठीक है, कैश की एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, अब आता है बैड डेब्ट रिकवर, सेकंड एंट्री आती है हमारी बैड डेब्ट रिकवर, ठीक है। बैड डेब्ट रिकवर्ड में हमारा क्रेडिट हुआ था, किसके साथ क्रेडिट हुआ था, ये कैश के साथ, बैड डेब्ट कैश के साथ क्रेडिट हुए थे, तो जब बैड डेब्ट कैश के साथ क्रेडिट हुए थे तो बैड डेब्ट के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश। जब भी हम क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा बाय लगाकर लिखते हैं, जब भी हम डेबिट में लिखते हैं जब हम टू लगाते हैं, दैट इज क्लियर। इसके बाद हमारी बैड डेब्ट की भी हो गई, कैश की हो गई, यहाँ पर मोहन है, मोहन डेबिट हुआ है, मोहन के अकाउंट में ये दोनों ही एंट्रीज डेबिट में जाएंगी, ठीक है। मोहन का अकाउंट ये रहा और मोहन के अकाउंट में देखो ये दोनों एंट्रीज हमारी आ गई डेबिट में। आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं उन सबके अकाउंट बनेंगे, यहाँ पर जितने भी नाम आपको शो होंगे सबके अकाउंट बनेंगे। हमने मोहन की भी कर दी है दोनों एंट्रीज, कैश की भी कर दी है। अब आता है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट के अकाउंट में क्रेडिट में बाय मोहन, ठीक है। अब आता है सैलरीज, सैलरीज डेबिट है सैलरीज के अकाउंट में, सैलरीज का अकाउंट ये रहा और इसके डेबिट में आ गया टू बैंक, ठीक है। और बैंक के अकाउंट में सैलरीज क्या हो गई, बैंक किसमें है, क्रेडिट में है, तो बैंक के क्रेडिट में, देखो बैंक के क्रेडिट में आ गई बाय सैलरीज। मेरे ख्याल से लेजर में पोस्टिंग करनी सभी को आ गई होगी, ठीक है। हम बाय कहाँ पर लगाएंगे, टू कहाँ पर लगाएंगे, सभी को क्लियर हो गया होगा। जब भी हम डेबिट में एंट्रीज करेंगे तब हम टू लगाएंगे, जब भी हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे हम बाय लगाएंगे, दैट इज क्लियर सभी को। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, लेजर में पोस्टिंग करने आने के बाद हमारा आता है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक तारीख को जो हम एंट्रीज करते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है। जब ट्रायल बैलेंस का जो हमारा बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस से जब हम बैलेंसेस निकालते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का, डिफरेंट एसेट्स का डिफरेंट लाइबिलिटीज, एसेट्स बहुत तरह की होती है जैसे कैश, डेप्टर, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्रिंटर, गुडविल, ये बहुत सारी हमारे पास एसेट्स होती है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी हमारे पास बहुत सारी होती है। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो जाता है हमारा बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। These assets and liability brought forward, बाद में उसके बाद ये liabilities या assets जो भी होंगी ये brought forward होंगी, brought forward का मतलब है अगले साल beginning में लेकर जाई जाएंगी,
ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एसेट्स या लाइबिलिटीज जो भी हैं वो आगे लेकर जाओ। आगे कहां पर लेके जाएंगे? नेक्स्ट साल के बिगिनिंग में। कहां लेके जाएंगे? नेक्स्ट साल के बिगिनिंग में। ट्रायल बैलेंस लिया, ट्रायल बैलेंस से हमने बैलेंस निकाला, वो बैलेंस कहां गया? बैलेंस शीट में गया। और वो बैलेंस कब जाता है? एंड में जाता है। उसके बाद जब हमने एंड में 31 दिसंबर को या 31 मार्च को हमने सारे बैलेंसेस लिख लिए, हमने सारी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में वो सारे बैलेंसेस जो भी हमारे बैलेंस शीट पे लिखे हुए थे वो अगले साल आगे लेकर जाएंगे। जब हम उसको आगे लेकर जाते हैं, एंट्रीज करते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, जब अगले साल हम लेकर जाते हैं तो उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, जब भी आप बैलेंस शीट एसेट्स को आगे लेकर जाओगे, ठीक है, एज द डिस्कस्ड अर्लियर द ऑल एसेट्स अकाउंट विल बी शो डेबिट बैलेंस। आपको पता होना चाहिए जितनी भी एसेट्स होती हैं, जब भी हम उसका बैलेंस निकालते हैं तो हमेशा ही उसका डेबिट बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लाइबिलिटीज निकालते हैं, लाइबिलिटीज का बैलेंस निकालते हैं, तो उसका हमेशा क्या आना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। अब आती है बारी, एन अकाउंट फॉर ईच एसेट्स विल बी ओपन एंड रिलेवेंट अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। इसीलिए कहते हैं जब एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस है, एसेट्स का जब भी हम निकालते हैं डेबिट बैलेंस निकालते हैं, तो जब हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, एसेट्स जब भी लिखेंगे तो वो डेबिट साइड लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएंगे? डेबिट साइड। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लाइबिलिटीज लिखेंगे तो वो लाइबिलिटीज कहाँ लिखेंगे? हम क्रेडिट साइड। ठीक है, ठीक है, और जब एसेट्स को हम अगले साल ओपनिंग में लेकर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे एसेट्स के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन। क्या लिखेंगे? ब्रॉड डाउन। ठीक है, और जब हम लाइबिलिटीज को लिखेंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट में लिखना है, तो उसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये देखो लाइक दिस, यदि कैश अकाउंट है, कैश हमारा एसेट्स अकाउंट है, कैश का हम, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी एसेट्स होती है उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, और जब डेबिट में हम कोई भी एंट्री लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? टू में। और जब कैश का बैलेंस लेकर जाओगे एक तारीख में, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर ब्रॉट डाउन हमने शॉर्ट में लिखा है, बीडी का मतलब हो गया ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, यदि सेंट्रल क्रेडिटर, ये क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज का यदि मैं एक तारीख को बैलेंस लेकर जा रही हूँ, अगले साल नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रही हूँ एक तारीख को, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जितनी भी एसेट्स होती है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, उनको हम क्रेडिट में लेके जाएंगे लाइबिलिटीज को, और डेबिट में लेके जाएंगे हम एसेट्स को। और जब नेक्स्ट ईयर हम ओपनिंग एंट्री करते हैं तो उसके साथ हम बीडी वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीडी। बीडी का मतलब हो गया ब्रॉट डाउन, अगले साल पिछले साल का बैलेंस इस साल लेकर आए हैं। ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे। ओपनिंग एंट्री के टाइम की एंट्री है सिर्फ, पास द ओपनिंग एंट्री इन द 1st अप्रैल 2020 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम बुक ऑफ रमन। रमन की बुक से हमने एंट्रीज ली है, इन्फॉर्मेशन ली है, उसके हिसाब से हमें एक ओपनिंग एंट्री बनानी है, केवल ओपनिंग एंट्री बनानी है। कैश हमारी एसेट्स है, ठीक है, डेब्टर्स हमारे एसेट्स है, ठीक है, स्टॉक हमारी एसेट्स है, प्लांट हमारी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। तो ये पांचों हमारी एसेट्स है, तो पांचों एसेट्स है तो हमारी कहां गई? डेबिट। ठीक है ना, ये पांचों हमारी एसेट्स में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, सन्डरी डेब्टर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट्स अकाउंट डेबिट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 20,000 रुपए से 60,000, 40,000, 50,000 और 1,00,000। ठीक है,
ये हमारे डेबिट में हो गई। अब क्रेडिट में उसने क्या बोला, क्रेडिटर कितने के हैं हमारे, 1 लाख रुपीज के, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे कहाँ पर है, 1 लाख रुपीज के, ये देखो यहाँ पर आ गए सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज के, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपकी एसेट्स का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, यदि हम इन एसेट्स का टोटल करें कितना आ रहा है, 20 और 60, 80, 80 और 40, 120, 170, 270, 2,70,000, और यहाँ पर जो क्रेडिटर थे वो कितने के थे, 1 लाख रुपीज के, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2,70,000 में से वन लैख सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, 1,70,000 आ गया, 1,70,000 आ गया। तो ये 1,70,000 का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे हम, हम इसको लिखेंगे कैपिटल में, समझ में आ गया सभी को, कहाँ लिखेंगे इसको हम, कैपिटल में, इस सारी ड्राइंग रब कर देती हूँ मैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपकी क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल लिखी जाएगी, यदि आपकी डेबिट साइड कम होती तो गुडविल लिखी जाती, यदि आपकी डेबिट में बैलेंस कम आता तो हम गुडविल लिखते, यदि हमारा क्रेडिट में बैलेंस कम आ रहा है तो हम कैपिटल लिखकर वो बैलेंस पूरा कर देंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना, यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस कम आया है, यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस कम आया है तो हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, और यदि हमारा डेबिट बैलेंस कम आता तो हम यहाँ पर गुडविल लिखकर, डेबिट में गुडविल लिखकर उतनी अमाउंट से हम डेबिट कर देते, ठीक है। अब आती है लेजर में एंट्री की पोस्टिंग, कैश। अब इन सब के आप क्या टू में सन्ड्री क्रेडिट और कैपिटल लिखोगे, नहीं, क्योंकि ये 1 तारीख में एंट्री है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे, ये 1 तारीख की एंट्री है और ओपनिंग एंट्री है, तो इन सब के आपने बैलेंस लिखना है, आपने क्या लिखना है, क्योंकि हम पिछले साल से इसका बैलेंस 1 तारीख में लेके आए, ठीक है। तो पिछले साल से जब हम बैलेंस लेके आते हैं तो वहां पर हम कुछ और नाम नहीं लिखते, सिर्फ बैलेंस वर्ड लिखते हैं। तो यदि आपका एसेट्स है तो डेबिट में लिख दो टू बैलेंस बीडी, यदि आपकी लाइबिलिटीज है तो यहाँ पर बाय में आ जाती है, ठीक है। यदि आपकी एसेट्स है तो टू में एंट्री कर दोगे, और यदि आपकी लाइबिलिटीज है तो आप क्रेडिट में। अब देखो सन्ड्री डेप्टर, आपको क्या पता है कि सन्ड्री डेप्टर क्या होते हैं, एसेट्स होती है लाइबिलिटीज, एसेट्स तो देखो हमने डेबिट में एंट्री कर दी, ठीक है ना। इसी तरीके से और देखते हैं, स्टॉक, थर्ड एंट्री थी स्टॉक की, बैलेंस बीडी देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पे स्टॉक था, ठीक है। अब प्लांट हमारे एसेट्स थी, ये भी डेबिट में बैलेंस जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी हमारे डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर के अकाउंट में हम क्या लिख देंगे, बाय में, बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल के अकाउंट में भी हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ये देखो क्रेडिटर के अकाउंट में भी बाय बैलेंस बीडी और कैपिटल के अकाउंट में भी बाय बैलेंस। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी, यदि हम एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस लेकर आते हैं तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है, और यदि हम लाइबिलिटीज का लेकर आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि हमने कैपिटल में क्या लिखना है और उसमें क्या लिखना है, ठीक है। अब आता है बैलेंस निकालना, लेजर का बैलेंस निकालना, ये जो टॉपिक है बेटा ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आपको यहाँ तक प्रिपरेशन करनी है, आपको लेजर बनाना आना चाहिए, लेजर की पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, लेजर का जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे
ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करनी है, और आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पेज नंबर आपके बुक की 9.22 पर, 9.22 पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 9.22 पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1-5, ये आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है,